डायमंड आपका पेयर है प्यारा, बहुत खूबसूरत है। देखने बात करते हैं भाई से, क्या बात कर रहे हैं, कितने का दे रहे हैं। तो यार ये पसंद आ रहा है, देख लेते हैं, अगर पसंद आ जाता तो फिर हम ये ले जाते। तो फाइनली दोस्तों मैंने इनके गेज में लगा दिया इनकी चुन्नी, और माशाल्लाह देख बताएं आप मेरी डब कैसी है। इसे डब भी बोलते हैं और रेड कुमरे भी बोलते हैं, ठीक है। तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज है वीक का पहला दिन, मंडे का दिन है, तो हम आ चलते हैं। कल मैं लेकर आया था शाम में संडे मार्केट से एक डफ का, अल्बाइनो डफ का जोड़ा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कल गेज में ला के डाल दिया था, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये है हमारा अल्बाइनो डफ का जोड़ा, माशाल्लाह ये कम्प्लीट जोड़ा है। अभी इसके साथ मैं इसको जो है ना इसकी छन्नी नहीं लगा दूंगा, और साथ में इसको इसकी स्टिक वगैरह लगा देता हूँ, ठीक है। तो कल मैंने ला के शाम में इसको छोड़ दिया था दाना पानी रख के, और अब इन सबका दाना पानी भी करते हैं, और क्या कहते हैं इसके साथ ना इसकी छन्नी भी लगाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं लगाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो दाना पानी हो गया, मैं इसके लिए आता हूँ छन्नी में। तो फाइनली दोस्तों मैंने इनके अंदर छन्नी लगा दी इनकी, और बाकी मैं तो बजीस को दाना पानी वगैरह करके फिर मैं अपने हीरा रंजा के पास जाता हूँ, और जुम्बी को और डकी गेंद को खोलते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, मैं पकड़ के दिखाता हूँ आपको, एक है इसमें नर और एक है मादा, ठीक है। छन्नी में बैठाते हैं, छन्नी में बैठती नहीं, बैठ रही है भाई, फुल जो है ना सपाटा हो रही है अभी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने हीर रांझा के पास, और मैंने अभी देखा है एक इसके अंदर कि हमारी जो है हीर है वो पेटी के अंदर बैठी हुई थी, गेज के अंदर अपने बैठी हुई थी, जो इसका नेक्स्ट बॉक्स है उसमें बैठी हुई थी। तो इससे ये हो सकता है, इसका मतलब ये है कि शायद कि ये बहुत जल्दी ये अंडे दे देगी। तो देखते हैं, और अपनी जुम्बी वगैरह खोलते हैं। ये भाई अफलातूना आ गई हमारी, इनको पानी पड़ गया, गिर गया यार। चलो चलो आओ, पानी पिला लो, पानी पिलाओ, पीले पीले पिल्ले पीले पीले पिल्ले। चलो भाई सब पानी वानी पी रही हैं, इनको खोल दिया, प्यासी हो रही है। कल ये संडे वाले दिन गेज पूरा साफ कर दिया था, हीर रांझा का भी गेज पूरा साफ कर दिया था, तो ये पानी वानी पी रही है, इनको मैं खाना देता हूँ। और हीर रांझा को भी बाहर निकालते हैं थोड़ा, हीर रांझा को यहाँ निकालते हैं, इनको मैं ऊपर बिठाता हूँ, मेरे नीचे मजे से नहीं रहते हैं, फिर ऊपर जाने की करते हैं। तो हीर रांझा को मैंने बाहर निकाल दिए, हीर रांझा निकल गए। हीर रांझा को बाजरा देना है यार, अभी मैं इनको बाजरा भी दे, तो ये अपने अंदर गेज में ही खा लेते हैं। तो मैं हीर रांझा को बाजरा दूँ, यार मेरे कबूतर इतने शौक से बाजरा नहीं खाते, मैं इनको मिक्स दाना भी देता हूँ फिर भी नहीं खाते ये। तो ये हो गया, हीर रांझा को नीचे छोड़ते हैं और फिर देखते हैं। वैसे अब मेरी जो है हीर बहुत जल्दी अंडे देने वाली है,
और यार हम लोग कल गए थे संडे मार्केट ना, तो संडे मार्केट में मुझे काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आई वहाँ पर वीडियो, तो मैंने वहाँ वीडियो वगैरह देखी बनाई पर मुझे समझ नहीं आया। वहाँ पर मैंने एक पेयर पसंद करा सेंटी का, पर उसमें यार कंफर्म नहीं हो रहा था कि मेल है या फीमेल है, दोनों के है। तो जैसे ही मुझे अच्छा पेयर मिलेगा तो मैं आपको जल्दी बताऊँगा, ठीक है ना। अभी इनको देख लो, नीचे आने के लिए कर रहे हैं लोग, ये नीचे आ रहे हैं। बाकी डकी गेंद वगैरह हमारी इधर साइड सूट पे है, ठीक है। ओहो पानी गिरा दिया यार इन लोग ने तो भाई। मैंने इनको रोटी दिया, अभी रोटी ये लोग खा रहे हैं, मैं इनको मजीद और रोटी तोड़ के फिर आप लोग से मिलता हूँ और फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इनको रोटी तोड़ दूँ, मैं इनको रोटी तोड़ के आपको दिखाऊँगा कैसे शौक से रोटी खाएंगे। अभी मैंने जस्ट ट्राई के लिए दी थी कि खाते हैं नहीं खाते, बगैर ये तोते खा रहे हैं, जैसे ये पूरा खा लेंगे तो फिर मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे शौक से मेरे हीर रांझा रोटी खा रहे हैं। अच्छा जो रोटी के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं वो मेरी डकी गेंद भी खा रही है, वो मैं दिखाता हूँ। डकी गेंद मेरी खा रही है, रोटी के टुकड़े जो नीचे गिर रहे हैं मेरे से हाथ से, वो डकी गेंद। और इनका नाम यार मैंने फौज रख दिया, जहाँ जाती हैं सारी एक साथ जाती हैं, जहाँ भागती एक साथ भागती हैं। तो इनका नाम मैंने अब जो है डकी गेंद से और जुम्बी से हटा के अब ये फौज रख दिया है, मेरी फौज है इनका नाम ना, ये इनके फौज की तरह घूमती है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैं संडे मार्केट गया था तो यार वहाँ कुछ इतना खास समझ नहीं आया मुझे ना, तो एक ये रोटी खा रहे हैं। मैं और रोटी इनको तोड़ के देता हूँ भाई, ठीक है। रोटी इनके लिए अच्छी होती है, इनकी जो सीप वगैरह आई हुई होती है उससे सीप वगैरह इनकी ख़त्म हो जाती है और इनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। खाली बाजरा या काले चने दाना देने से इनकी सेहत अच्छी नहीं होती, रोटी लाजमी इनको देना चाहिए। और दूसरी बात है इनको भी अपनी जुम्बी वगैरह को भी ना रोटी वगैरह देना चाहिए क्योंकि गंदम में ताकत होती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने थोड़े इन लोग को डाल दी है रोटी, ये खा रहे हैं, और थोड़े अपनी जो है ना हीर रांझा को डाल दी है रोटी, वो खा रहे हैं, ठीक है। हीर रांझा रोटी खा रहे हैं और थोड़ी इनको डाल दी है। हमारा ये पिंक वाला चूजा बहुत तेज है भाई, पत्ते तोड़ के खाते हैं हमारी मनी प्लांट के, ये देखें आप, सही है। इसने वाली मनी प्लांट के सारे पत्ते खा लिए और ये मेरी अम्मा को पता चल गया ना, तो अम्मा मेरे को कहेंगे निकालो इनको यहाँ से बाहर भाई, वो पौधों को बहुत पसंद करती हैं। मुझे इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।